हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज फिर से आ गई हूँ आप सभी के बीच एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में छोटे छोटे बच्चों को कोल्ड, कफ, खांसी की शिकायत लगी रहती है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए एक स्पेशल वाला तेल, जिससे कि उनकी चेस्ट की, हथेलियों की और तलवों की मालिश करने से उन्हें कोल्ड होगा ही नहीं। तो आज इस तेल को बनाने के लिए मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ उसी की वीडियो आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है सरसों का तेल। दस से बारह लेनी है लौंग। 1 बड़ी चम्मच ले ली है मैंने अजवाइन। 2 ले लिया हरी इलायची और 1 छोटी चम्मच ली है मैंने सौंठ का पाउडर। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर अब हम बनाएंगे बच्चों के लिए एक औषधि रूप तेल, जिसकी मालिश करने से बच्चों को कोल्ड होगा ही नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसका अच्छे से पानी सुखा लिया है। फ्राई पैन में पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद डाल दिया इसमें मैंने सरसों का तेल। अब हम लौंग और इलायची को थोड़ा सा कूट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौंग डाल दी है और इलायची डाल दी है और अच्छे से इस तरीके से इसे कूट लेंगे, जिससे कि इसे सरसों के तेल में जब ये पकेगा तो ये अपनी पूरी खुशबू तेल में अच्छे से छोड़ देगा। तो ये देखिए ये दरदरा मैंने कूट लिया है और अजवाइन और सौंठ को मैंने एक साथ मिक्स कर लिया है और यहाँ पर मैंने लौंग और इलायची को भी इसी में डाल दिया है। तो अब तेल हमारा हल्का सा गर्म हो गया है, इसी में डाल देंगे हम अपनी अजवाइन, लौंग और इलायची और सौंठ। और अब धीमी धीमी आँच पर इसे पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट, जब तक कि ये सारा सामान काला ना हो जाए और अपना सारा असर तेल में अच्छे से ना छोड़ दे। देखिए हम भारतीयों की रसोई सिर्फ स्वाद का ही खजाना नहीं है, यहाँ पर सेहत का खजाना भी छुपा हुआ है। हमारे जो मसाले हैं उनमें किसी न किसी मसाले में कोई ना कोई सेहत की बात भी छुपी हुई है। तो बच्चों के लिए जब हम ये वाला तेल बनाते हैं, इस वाले तेल से रात को सोते समय या फिर अगर समय है तो बच्चे को नहाने के बाद उसकी छाती, हथेलियाँ और तलवों की अच्छे से मालिश कर दीजिए, तो बच्चों को सर्दी जुकाम होगा ही नहीं, सताएगा ही नहीं, बच्चे बिल्कुल हेल्दी और फिट रहेंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से पक गया है और उसके बाद मैंने छान लिया है 1 कटोरी में, और जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसे किसी भी बोतल में या कांच के जार में स्टोर करके रख दीजिए। और जिस टाइम आपको बच्चे की मालिश करनी है, हल्का से इसे गुनगुना कीजिए और बच्चे की मालिश कर दीजिए, बच्चे को बहुत ही आराम मिलेगा। सर्दियों में तो नॉर्मली आप बच्चे की मालिश इस तेल से कीजिएगा ही, पसलियों की, हथेलियों की और तलवों की। चाहे तो बड़े लोग भी इसकी मालिश कर सकते हैं, कोल्ड में उन्हें भी रिलीफ मिलेगा। और आप सभी को आज की मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।